बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको झटपट बनने वाला बेसन के हलवे की रेसिपी बताऊंगी। बेसिकली मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल पर वही वीडियोस अपलोड करूं जो कि जल्दी से बन जाती हैं और आसानी से बन जाती हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोज़ को फ़ौरन देख सकें। तो चलिए अब हम अपना बेसन का हलवा बनाना शुरू करते हैं। बेसन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में एक कप भर के घी लिया है। सबसे पहले हम अपने घी को गर्म करेंगे। घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो चूल्हा हम बिल्कुल अपनी हल्की आंच पे करेंगे और अब इसमें यहाँ इस पॉइंट पर हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ऐड कर चुकी हूँ। अच्छा, इस पॉइंट पर आपने याद रखना है कि आपने अपना चूल्हा हल्की ही आंच पे रखना है। और मैंने यहाँ पर एक कप घी लिया था तो मैं यहाँ पर बेसन भी मैं एक कप भर के ही लिया है। अब हम इसे 8 से 9 मिनट तक ऐसे ही हल्की आंच पर पकाएंगे। 9 मिनट तक मैंने इसे बिल्कुल हल्की आंच पर इसी तरीके से चमचा इसमें चलाया है और इसको बिल्कुल भी जो है छोड़ा नहीं है। मुसलसल मैंने 9 मिनट तक इसमें चमचा चलाया। देन इसके बाद हम यहाँ पर शुगर ऐड करेंगे। शुगर की क्वांटिटी इस लिहाज से है कि शुगर मैं यहाँ पर हाफ कप ऐड कर रही हूँ। हाफ कप शुगर ऐड करके हम शुगर को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैंने एक कप भर के मैंने जो है वो घी लिया, उसके बाद मैंने जो है जब घी हमारा मेल्ट हो गया तो उसमें मैंने एक कप भर के ही बेसन लिया और शुगर में हाफ कप ऐड कर रही हूँ। अगर आप शुगर भी जो है वो बराबर क्वांटिटी से डाल लेंगे तो हलवा इंतहाई मीठा हो जाएगा जो कि बिल्कुल खाने के लायक नहीं रहेगा। अब हम 2-3 मिनट तक अपने बेसन को शुगर के साथ पकाएंगे। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने अपने बेसन को जो है शुगर के साथ भी पकाया है। अब हम इस पॉइंट पर एक कप यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। लेकिन एक कप जो पानी आपने ऐड करना है वो इकट्ठा एक साथ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके डालना। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एक कप पानी ले लिया तो मैंने थोड़ा सा डाला और इसको चमचा से चलाया। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और मुसलसल हम अपना चमचा भी चलाते रहेंगे। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा इस पूरे प्रोसेस में जो है आपने अपना चूल्हा हल्के ही आंच पे रखना है, तेज़ आंच पे आपने नहीं पकाना। मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो है पूरा एक कप पानी इसमें ऐड कर दिया और मुसलसल चमचा भी चलाया। अब आप इसको मुसलसल इसी तरीके से चमचा चलाते हैं। बेसिकली हलवों में काम जो है वो सारा भुनाई का और क्वांटिटी का ही होता है। अगर आपको क्वांटिटी सही पता है और भुनाई आपने अच्छी की तो आपका हलवा बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार बनेगा। देन इस पॉइंट पर जबकि मुझे पानी डाले हुए भी 2 मिनट हो गए हैं और अब देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी स्टिकी हो गई है। तो इस पॉइंट पर मैं अपनी यहाँ पर मैंने 2-3 इलायचियों को कूट लिया था तो मैं वो यहाँ पर ऐड करूँगी। आप यहाँ पर जो है वो जो इलायची पाउडर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो 2-3 इलायची जिस पॉइंट पर हमने अपना ऑयल गर्म किया था, सॉरी घी गर्म किया था, इस पॉइंट पर आप जो है वो 2-3 साबुत इलायचियाँ भी डाल सकते हैं। मैंने जो है मुसलसल मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और पानी डालने के तकरीबन 3 मिनट के बाद ही आप देख सकते हैं कि हमारे जो है हलवे की जो है शक्ल भी आनी शुरू हो गई। दूसरी बात, आप अगर जब भी आप इसे बनाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि बड़ी ज़बरदस्त सी सोनी सी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो गई है, जो हलवों में साया करती है, हलवों की पहचान होती है। अब इस पॉइंट पर हम पिसा हुआ खोपरा ऐड करेंगे। पिसा हुआ खोपरा ऑप्शनल है, चाहे तो आप ऐड करें चाहे तो ना करें। तकरीबन 1.5 खाने का चमचा मैंने इधर पिसा हुआ खोपरा डाला। मैं इसे भी मिक्स करूँगी इसमें। इस पॉइंट पर कि मुझे भुनाई करते हुए जो है वो 4-5 मिनट मज़ीद हो चुके हैं और पैन ने जो है वो हलवा भी छोड़ना शुरू कर दिया। इस पॉइंट पर हम यहाँ पर किशमिश ऐड करेंगे, कटे हुए बादाम ऐड करेंगे, काजू पिस्ता ऐड करेंगे, ये जो हमारे पास है हम सब ऐड कर देंगे। आपके पास आपकी पसंद के फेवरेट जो भी ड्राई फ्रूट हो वो ऐड करके हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने चूल्हा बंद करके इसे डिश आउट कर लिया और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा बेसन का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने सिंपली से जो है वो डिश में निकाल कर ऊपर से थोड़ा सा पिसा हुआ जो खोपरा होता है ऊपर से वो छिड़क दिया। ये सब ऑप्शनल है। ड्राई फ्रूट भी यहाँ पर ऑप्शनल है कि जो से आपको पसंद है वो आप यहाँ पर डालें, चाहे तो सिर्फ किशमिश डालें
आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और इसे अपने ज़रूर घर में बनाने की कोशिश भी कीजिएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।